ऑनलाइन क्लासेस में ही सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर AHDP में आज मेडिसिन में आज से हम सिस्टेमेटिक सिस्टम जो हैं जितने भी बॉडी के अंदर, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, जेनाइटल सिस्टम है, ये सारे अब एक एक करके हमने इसको, अब आज से जो तंत्र अनुसार बीमारियां होती हैं, सिस्टम अनुसार जो बीमारियां होती हैं, उनकी हम स्टडी शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिजीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को हम पढ़ेंगे, पाचन तंत्र की बीमारियां, पाचन तंत्र की बीमारियां। हम सभी जानते हैं कि पाचन तंत्र जो है वो एक महत्वपूर्ण तंत्र है जो सभी तंत्रों को जिंदा रखता है, एक्टिव रखता है, यूं मान लीजिए आप। क्योंकि जो आप खाते हैं, चाहे आप डाइट प्रॉपर लेते रहें, पाचन सही नहीं हो, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सही नहीं हो, तो ये सारे तंत्र जितने हैं वो वीक होते चले जाएंगे, कमजोर होते चले जाएंगे और बीमार पड़ जाओगे। और अगर ये तंत्र ठीक है, एक कहावत है कि अगर हाजमा ठीक है तो सब कुछ ठीक है। कहते हैं कि फिर तो चाहे रूखी सूखी भी इंसान खाता है वो भी शरीर को लगती है। तो कुल मिला के मेरा कहने का ये भाव है कि ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट तंत्र है, पाचन तंत्र की बीमारियों के निदान से हिस्ट्री का भी बड़ा महत्व है। हिस्ट्री लेना है, पेशेंट की हिस्ट्री, इसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका बॉडी को देखना, और तत्पश्चात प्रयोगशाला जांच है, एक्सरे वगैरह हैं, इसकी सहायता निदान हेतु, बीमारी की जानकारी हेतु ली जाती है, डायग्नोज हेतु ली जाती है। हिस्ट्री लेते समय निम्न बातों का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अलग अलग जाति जो है, नस्ल स्पीसीज में कुछ बीमारियां कुछ स्पीसीज में होती ही नहीं, कुछ में ऐसा है वो स्पेशल उन्हीं में ही होती हैं। तो अगर आपको ये बात का पता चल जाए तो आप डायग्नोज आसानी से कर पाते हो। पाचन तंत्र की बीमारियां कुछ पशु में विशेष तौर की जाति में ही होती हैं, जैसे टिम्पनाइटिस इन कैटल, कॉलिक इन हॉर्स। बिल्कुल बहुत सही बताया, ज़्यादातर कॉलिक जो है वो मेन भयंकर हॉर्सेज में होती है। ये कॉलिक क्या है, पेट दर्द को कहते हैं, ये भी दो तरह का है, आप आगे इसको कॉलिक को पूरा पढ़ेंगे, हम पूरी बीमारी डिटेल में पढ़ेंगे, कॉलिक, व्हाट इज कॉलिक, ट्रू कॉलिक, फॉल्स कॉलिक, ये सब आगे आ जाएंगे। ब्रीड, नस्ल, कुछ नस्ल के पशुओं में विशेष तौर से कुछ बीमारियां आम तौर पर होती हैं, जैसे गैस्ट्रिक डायलेशन एंड टॉर्शन इन लार्ज ब्रीड ऑफ डॉग्स, गैस्ट्रिक डायलेशन, गैस्ट्रिक डायलेशन एंड टॉर्शन, घूमना, ये भी टॉर्शन के बारे में आपको पूरा पढ़ाएंगे आगे। टॉर्शन क्या होता है, आप इसका टॉर्शन के बारे में आप पढ़ोगे, गायनेकोलॉजी के में तो यूट्राइन टॉर्शन का मेन रोल होता है, लार्ज ब्रीड डॉग में पाया जाता है। बॉक्सर इज प्रोन टू कोलाइटिस, अब प्रोन का मतलब ये होता है कि आदि इस बीमारी का, आदि मतलब जैसे मैं अब ये मानूं, मैं ये अपने लिए कहता हूं, माय थ्रोट इज वेरी प्रोन टू इन्फेक्शन इन कोल्ड, में कोल्ड सीजन, सर्दी के अंदर मेरा गला बड़ा ही जो है क्या कहते हैं, थोड़ा सा ठंड से ही बीमार हो जाता हूं मैं, यानी कि बीमारी को पकड़ लेता है, मींस प्रोन। अब आप प्रोन समझ में होंगे, प्रोन टू कोलाइटिस, तो ये कोलाइटिस जो है इनको, बॉक्सर जो है वो इनको होती रहती है। कोलाइटिस क्या होती है, आपने इंटेस्टाइन का पार्ट जो है वो पढ़ा है, कोलन,
लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, कॉलन होता है ना लास्ट वाला, उसके बाद कॉलन के बाद जो है वो एनस है, तो वो कॉलन, कॉलन का कोलाइटिस, उस कॉलन का सोजन, सोजन हो जाना जनरली। जनरली क्या है, अमीबाइसिसिक बीमारी होती है, अमीबिक कोलाइटिस ज्यादातर होती है, अमीबिक कोलाइटिस। ये आगे पढ़ेंगे हम, अमीबा क्या है, अमीबाइसिस क्या है, सब पढ़ाएंगे अपने। लिंग, सेक्स, गर्भित कुतियों में उल्टी की शिकायत होना, सही है, जनरली हो जाता होना। मोटी व वजनदार कुतियों में पैंक्रियाटिक, पैंक्रियाइटिस, उसको पैंक्रियाज की स्वेलिंग हो जाती है। मैंने आपको बताया है कि जब किसी अक्सर जो है, अक्सर किसी जो ऑर्गन है उसके नाम के आगे आइटिस, आईटीआई एस लग जाता है, आईटिस लग जाता है, इसका मतलब होता है उसकी स्वेलिंग। जैसे कोलाइटिस थी ऊपर, कोलन की स्वेलिंग, अब ये पैंक्रियाइटिस हो गया, टाइटिस हो गया, ये कहाँ होगी, ये पैंक्रियाज की स्वेलिंग होगी। तो इसको लिख लें यहीं, ये आपके लिए नए शब्द हैं, और विशेष तौर से एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं उनके लिए अलग से वर्ड हैं, तो इनको आप यहाँ लिख लो। जैसे जैसे बोल रहा हूँ तो आप दोबारा भी इसको सुन सकते हो, आपके पास ये ऐसा मटेरियल दे दिया, आप इसको कभी भी सुन सकते हो, तो दोबारा सुन लो, बार बार सुन लो, जब ये समझ में आए तो हिंदी में लिख लो। एज, नवजात व वयस्क पशुओं में अलग अलग बीमारियां हैं ना, ये एंडो है, ये एडो नहीं है, ये एडो, एंडो अंदर, पैरासिटिक एंट्राइटिस, एंडो है ये अंदर, एडो नहीं, पैरासिटिक एंट्राइटिस। जब कोई फूड के अंदर हम ऐसा कोई पैरासाइट खा लेते हैं तो वो जाकर के अंदर क्या करता है, एंट्राइटिस कॉज करता है। एंट्राइटिस क्या है, इंटेस्टाइन की स्वेलिंग है, ये कॉज करता है, तो ये एंडो पैरासिटिक एंट्राइटिस, पैरासाइट के अंदर जाने पर आंत की स्वेलिंग, यूं लिख लेना। शरीर भार, बॉडी वेट के अनुसार, बॉडी वेट के अनुसार कुछ बीमारियां, कुछ टर्म्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित है, टर्म्स में आपको पता होना चाहिए। एपिटाइट, एपिटाइट, खाना खाने में रुचि कम होना, मुझे यहां कुछ डाउट है, इसको मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि उसको इनएपिटेंस कहते हैं। ये एपिटाइट है, खाना खाने में रुचि होना, यानी कि भूख, भूख होना, ऐसा होना चाहिए। चलिए खैर, इट आई विल कन्फर्म इट आल्सो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख लेते हैं। एपिटाइट, ये खाना खाने में रुचि कम होना कह रहा है, एपिटाइट, इन एपिटाइट, इन एपिटाइट होता है शायद, खैर। एनोरेक्सिया, पूर्ण रूप से खाना नहीं खाना, हो सकता है ये सही हो, मैं इसको दोबारा चेक कर लूंगा, देख लूंगा, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, हो सकता है सही हो, मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, कोई जरूरी नहीं। डिसफेसिया, डिसफेसिया, पशु को निगलने में कठिनाई होना, चौक में होता है जनरली, चौक आलू फंस जाए तो क्या होता है, निगलने में दिक्कत होती है, या कई बार गला सूज जाए, निगलने में तकलीफ, ऐसा भी होता है, क्योंकि चौक में तो बिल्कुल ही रुक जाएगा, जाएगा ही नहीं, ये निगलने में तकलीफ है, तो ये गले कई बार हो जाता है ना, गलकंठ पड़ गई, ऐसा कुछ बोल देते हैं अपने किसी कारण से, गला सूज गया, स्वेलिंग है तो दर्द करता है, तो उसको निगलने में दिक्कत होती है। रीगर्जिटेशन, ये तो आप लोगों ने
फर्स्ट ईयर में खूब पढ़ लिया जुगाली, रूमन से वापस फीड स्टफ को मुंह में लाने को रिगर्जिटेशन कहते हैं। यह रूमिनेट्स का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जबकि कुत्तों व घोड़े आदि में पेट से खाद्य पदार्थ का वापस मुंह में आने को उल्टी या वोमिटिंग करना कहते हैं। तो आज हम इसमें लें सबसे पहली बीमारी। अब एक बीमारी जो है आज हम शायद कवर कर लेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक हम इसको करेंगे, पूरा तो एक तो शायद ही हो गया, चलिए देखते हैं। लेट मी सी, स्टोमेटाइटिस, इसका ये है स्टोमेटाइटिस, मुंह की जो ये जो अंदर है ना, हमारे मुंह के अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन है जो हम देखते हैं, अलग से कलर है उसका अंदर, जब हम मुंह खोलते हैं सारे मुंह में ही है, ऐसा नहीं है, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो अगर मुंह की आंतरिक परत श्लेष्मा कला म्यूकस मेम्ब्रेन की सूजन हो जाए, जिसको मुखपाक कहते हैं, मुखपाक खुरपाक, मुखपका खुरपका FMD में बोलते हैं इसको, मुखपाक यानी स्टोमेटाइटिस कहते हैं। इसमें निम्न सूजन भी सम्मिलित है, पहला आता है ग्लोसाइटिस, जिसको हम जीभ की सूजन कहते हैं, मसूड़ों की जो गम है इनकी जो सूजन आ जाती है तो जिंजिवाइटिस कहते हैं, जिंजिवाइटिस, टंग वाली को ग्लोसाइटिस, और दांतों की सूजन ओडोन्टाइटिस, और लिप्स की सूजन को चिलाइटिस, एंड प्लेटलेट्स, ये जो पैलेट, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट, ये है ना सॉफ्ट पैलेट, अंदर जहाँ से जीभ शुरू हो रही है अंदर पूरा, वो सॉफ्ट पैलेट, यही तो सूज के सॉरी फूल के जब ऊंट झूठ करता है तो यही तो बाहर आता है फूल के, सॉफ्ट पैलेट। तो इसकी जो है इसकी इसको तालू को कहते, तालू शोथ को कहते हैं प्लेटाइटिस, और इसे लंपास भी कहते हैं, लंपास भी कहते हैं। तो ये दो नाम है इसके, प्लेटाइटिस या लंपास, इसको आप ध्यान से नोट करें और लिखें। कारण इसका क्यों होती है स्टोमेटाइटिस, इसके पहले हैं भौतिक कारण, फिजिकल एजेंट हैं, फिर केमिकल एजेंट हैं, फिर इन्फेक्शियस एजेंट हैं। फिजिकल एजेंट फिजिकली टच करेंगे ना, वही होंगे ना, केमिकल एजेंट केमिकल हैं जितने भी हैं, रसायन हैं जितने, तो अब और इन्फेक्शियस में क्या होता है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट और स्पाइरोकीट्स, ये सारे के सारे। उसके बाद में आता है डेफिशिएंसी, कमी के कारण, B12 की कमी, बी कम्प्लेक्स की कमी जब हो जाती है, इसलिए अगर किसी का मुंह पक गया तो बी कम्प्लेक्स देते हैं ज़्यादातर उसको, और उससे ये जल्दी ठीक हो जाता है, तो बी कम्प्लेक्स की कमी से भी ये सूज जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन। एलर्जी अगर होगी किसी को, ऑटो इम्यूनिकल एजेंट स्वक्षम कारक, ऑटो इम्यूनिकल एजेंट्स, ये भी आपको समझाएंगे। ऑटो इम्यून सिस्टम जो है जब गड़बड़ा जाता है या यूं कहिए रक्षक भी भक्षक बन जाता है, यूं कहिए ऑटो इम्यून सिस्टम ही बॉडी के विरुद्ध कार्य करने लग जाता है, ऐसा भी होता है, ऐसी भी बीमारियां हैं। तो अभी देखें फिजिकल एजेंट, पहले देखेंगे क्या कहते हैं, ये पढ़ाया होगा, देखाया होगा इन्होंने आगे। फिजिकल एजेंट तो चोट, ट्रॉमा, मुंह की म्यूकस मैंग्रोव जुगाली के दौरान
निम्न कारणों से चोट लग जाती है। पौधों के कांटे होते हैं जो खाएंगे जानवर, कठोर है मोटा चारा भी हो सकता है, शार्प स्पाइन ऑफ प्लांट्स हो जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा तुड़ी है ना, तुड़ी, तो तुड़ी जब निकालते हैं, ये जो कणक जब निकालते हैं तो उससे ऊपर जो तुड़ी बनती है, तो उसमें क्या होते हैं वो फर टाइप से होते हैं तुड़ी के अंदर, लंबे लंबे, नई नई जब तुड़ी आती है तो सड़ू कह सॉरी उनको क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं, जब वो खाता है जानवर तो ये उसमें चुभ जाते हैं ये म्यूकस मेम्ब्रेन चारों तरफ और खून आने लगता है। ये भी एक बीमारी है, बहुत आम तौर से मिलेगी पशुओं में, लेके आएंगे, उससे भी स्टोमेटाइटिस होती है। श्लेष्मा का छिल जाना अथवा हल्की सी हट जाना, जैसे तीखे उपकरण, लोहे की कील, निडल्स, जस्ता आदि को चारे के साथ चबाने से, गाय में, कुत्तों में, मांस के साथ हड्डियां खाने से, शार्प चीज कोई भी हो सकती, बांस की अथवा लोहे की नाल द्वारा दवा पिलाते समय, माउथ कॉग लगाते समय, प्रोब बैंक को डालते समय। अब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि माउथ गैग क्या होता है और प्रो बैंक क्या होती है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर खूब इसको मैंने रटाया था कि प्रो बैंक क्या है और माउथ गैग क्या है। अनियमित दांतों द्वारा ऊपर वाले दांत बढ़ गया एक साइड में तो वो नीचे वाली म्यूकस मेम्ब्रेन को टच करेगा तो जख्म करेगा, नीचे वाला बढ़ गया तो ऊपर वाले कहीं ना कहीं गम्स में टक्कर मारेगा तो जिंजिवाइटिस होगी, जिंजिवाइटिस होगी तो ये सारे उसमें दिक्कत करेगी। अनियमित दांत तो इनको काटना पड़ता है, फिर यहाँ रास्प करना पड़ता है, टूथ रास्प पर आपने मैनेजमेंट में देखा है, पढ़ा है, प्रोबैंग देखा है, माउथ के सब आपने देखे हुए हैं। विभिन्न प्रकार के फोडर जैसे रोटन, सरा और हे, कुछ ऐसे हैं फीड जिनमें तीखापन होता है, वो शार्पनेस होती है। उसके बाद फ्रोजन फूड्स, फ्रोजन फूड्स अगर आपने एकदम से दे दिया, ठंडा बहुत ज़्यादा किया हुआ तो स्टोमेटाइटिस हो सकती है। हे ये अगर आपने खिलाई कहीं ना कहीं तो ये इनसे एकदम से ये पशु में स्टोमेटाइटिस हो सकता है। रासायनिक कारण, केमिकल एजेंट, अमल, क्षार, ये सब आपको पता है, अन्य रसायन जो मुंह को, मुंह की म्यूकस म्यूकस मेम्ब्रेन को जला देते हैं, इरिटेंट ड्रग्स, ऑयल, टर्पेंटाइन एंड क्लोरोहाइड्रा, अगर ये सीधे पिला दो, इसलिए मना किया जाता है कि ऑयल टर्पेंटाइन जब टिम्पनी में आफरे में देते हैं तो मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में मिला के या किसी भी स्वीट ऑयल में मिला करके आप दे सकते हो। क्लोरोहाइड्रा भी सेम ही कॉज करता है, दोनों इरिटेशन करते हैं म्यू में। अन्य रसायन जैसे मरकरी, पारा, लेड, आर्सेनिक, आयोडीन, फॉर्मेल्डिहाइड आदि, काउंटर इरिटेंट के चाटने से उदाहरण है बिन आयोडाइड ऑफ मरकरी ब्लिस्टर, आप पढ़ोगे आगे, लेकिन आपने शायद नहीं अभी नहीं पढ़ा आपने, आप अभी सेकंड ईयर में आयो। रेड आयोडाइड ऑफ मरकरी, इसके अंदर जब वैसलीन मिला देते हैं तो क्या होता है, ये संदूरी रंग की है तो ऐसी हल्का संदूर कलर की ये जो एंटमेंट बन जाती है, तो जब भी आप ये है जो काउंटर इरिटेंट लगाती हो, काउंटर इरिटेंट क्या होता है फार्मेकोलॉजी में आप भली भांति पढ़ोगे। रासायनिक उर्वरकर आदि जैसे खाद वगैरह, यूरिया खा जाता है अगर ऊँट, बहुत बार देखा होगा बकरी, गाय, छिल जाती है उसका म्यूकस मेम्ब्रेन। अब इन्फेक्शियस कॉजेज में, इन्फेक्शियस कॉजेज के अंदर पहला है हमारे पास वायरस। अब आप देखिए आरपी, रिंडर पेस्ट, फुट एंड माउथ डिजीज, एफएमडी, आप लोग आम देखते हो, अगर एफएमडी में देखते हो तो मुंह पका, खुर पका आता है ना नाम, तो मुंह पका का यही होता है। म्यूकोजल डिजीज, बोवाइन मेलिग्नेंट, ये सारी डिजीज मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे। वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस, ब्लू टंग, पॉक्स ग्रुप ऑफ वायरस, हर्पीज वायरस ऑफ हॉर्स,
आदि, तो ये सारे वायरस कॉज करते हैं, ये बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टो एंड स्टेफाइलोकोकस, सेफेरियो फोरस, नेक्रोफोरस, एक्टिनोबैसिलस और लिंगनरसाई एंड लेप्टोस्पायरा स्पीसीज आदि। तो ये बैक्टीरिया हैं, ये इनको कॉज करते हैं। फंगस, एस्परगिलस स्पीसीज, मोहिला स्पीसीज, सर्मेटो माइकोसिस आदि, ये जो है फंगल है, फंगस। फंफूद, अब आते हैं स्पायरोकीट्स, इसमें आता है फ्यूसोस्पायरोकीटल स्टोमेटाइटिस। पैरासाइट में है प्लांट लाइस, प्लांट माइट्स, लीचेस, वो जोंक, एंट अमीबा अमीबाइसिस में, और जिंजिवाइटिस, एंट अमीबा जिंजिवाइटिस। तो ये इन्फेक्शन होता है एंट अमीबा का, जिंजिवाइटिस। कईयों में आपने देखा होगा बदबू आती है मुंह में, तो ये पस पड़ जाती है इसमें दांतों में, बुरा हाल, पायरिया हो जाता है। तो ये इसमें इसका भी रोल होता है, एंड अमीबा जिंजी वाइटिस कॉज करता है। लीचेस, लाइस, माइट्स, तो ये सारे के सारे जो है न्यूट्रिशनल। हाँ, देखिए डेफिशिएंसी हो विटामिन बी कम्प्लेक्स, विशेष तौर से राइबोफ्लेविन, नायासिन, एलर्जी कई प्रकार के औषधियों में पौधों के खाने से। ऑटोइम्यून केस, क्रोमिक बल्पस इरप्शन ऑन माउथ, नोज, ईयर एंड स्किन बाय पिक पिजियंस वल्गेरिस इन डॉग्स। ये पेम पिजियंस होता होना चाहिए, गलत लिख रखा है, पीई होना चाहिए ये। हाँ, ये पेम्प, हाँ पेम्फीजियस है ये नाम वल्जेरिस, इसको पी ई कर लेना, ये पी सी कहीं प्रिंट में रह गया गलती से। हाँ, ये पेम्फीजियस वल्गेरिस इन डॉग, ये है नाम इसका, तभी तो ये पढ़ने में नहीं आ रहा था। पी सी नहीं है, ये पी ई है, ये ध्यान रखना, इसको ई कर लेना। अब इसमें हम स्टोमेटाइटिस का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है, पहला कारण के आधार पे, उसके बाद में लीजन के आधार पे। बैक्टीरियल स्टोमेटाइटिस, वायरल स्टोमेटाइटिस, पैरास्टिक ट्रोमेटिक जहां चोट से लगती है ना, एलर्जिक, ये हो गई सारी की सारी। अब लीजन के आधार पे सिंपल स्टोमेटाइटिस, सिंपल स्टोमेटाइटिस, उसके बाद में आता है कटारल स्टोमेटाइटिस। अब सिंपल स्टोमेटाइटिस में क्या होता है और कटारल में क्या होता है, अब इसने ब्रैकेट में क्यों दिया है ये मुझे नहीं पता। कटारल का मतलब है लगातार कटार की तरह से सिक्रीशन का होना, यानी कि लगातार सिक्रीशन का बहना, ये होता है कटारल। तो ये कटारल स्टोमेटाइटिस, मुंह के अंदर क्या हुआ, स्टोमेटाइटिस हुई तो लार गिरना शुरू हो गई। उसके बाद में आते हैं वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस या स्पोरेटिक एफ्थिया, स्पोरेटिक एफ्थिया, वेसिकुलर वेसल्स बन छाले बन जाना, छाले बन जाते हैं। प्रोलीफरेटिव स्टोमेटाइटिस, प्रोलीफरेशन का मतलब प्रोलीफरेटिव,
एक ही छाले से कई छाले जो है वो आगे बढ़ते जाना, उसका प्रोलीफरेशन हो जाना, बढ़ जाना, ज़्यादा पूरा मुंह भर जाना, प्रोलीफरेटिव स्टोमेटाइटिस, फाइब्रिनस स्टोमेटाइटिस, फाइब्रस धागे नुमा फाइब्रिनस की वजह से फाइब्रिनस मैस्टाइटिस होती है, इसी तरह से ये फाइब्रिनस स्टोमेटाइटिस, इसको क्लियर करेंगे। अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस, अल्सर हो जाना, घाव, अंदर घाव हो जाना, वेसल बने, वेसिकुलर, जैसे छाले से बन गए, अब उनका फूट जाना, फूट गए तो ये अल्सरेटिव हो गया। मैक्रोटिक स्टोमेटाइटिक, इनको थोड़ा सा क्षेत्र से दोबारा चेक करना पड़ेगा, मैक्रोटिक इसमें क्या डिफरेंस है, डिफ्रोइड स्टोमेटाइटिस और मैक्रोटिक, माइक्रो मैक्रो नो, चलो लेट वी सी, देख लेते हैं। ग्रेन्यूलोमेटस स्टोमेटाइटिस, माइकोटिस स्टोमेटाइटिस, फंगल, एलर्जिक स्टोमेटाइटिस, एलर्जी किसी भी तरह से हो जाना, और गैंग्रीनस स्टोमेटाइटिस, सड़ान, सड़ जाना उस पार्ट का, जैसे अंदर मुंह के अंदर वो पार्ट जो है ब्लड सप्लाई खत्म हुई है उसको, और वो काला पड़ जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगी, गैंग्रीनस, सड़ जाना उस पार्ट का, और पार्ट जब कब सड़ता है, जब उसको ब्लड सप्लाई कंप्लीट बंद हो जाती है, जैसे टेल गैंग्रीन हो जाती है, आगे हम पढ़ाएंगे आपको। तो आज कंप्लीट तो इसको कर ही देते हैं, ये दो चार चीज़ें दोबारा नेक्स्ट उसमें डिजीज से पहले हम डिस्कस कर लेंगे इनके बारे में, एक दो रह गई हैं जो निशान मैंने मार्क लगा दिया। क्लिनिकल फाइंडिंग, भूख, पशु को भूख कम लगना, जुगाली करने में दिक्कत होना, जागदार खूनी, जागदार या सामान्य अत्यधिक मात्रा में लार का गिरना, मुंह से बदबू आना, जब ये इन्फेक्शियस होती है ना, सिंपल ना होके इन्फेक्शियस हो जाए तो, उसके बाद में ग्लाफों, होठों में, जीभ आदि में सूजन आ जाना, मुंह की आंतरिक परत, म्यूकस मेम्ब्रेन पर लाल व फूटे हुए छाली दिखाई देना, मुख्य रूप से वेसिकुलर, ये मैंने पढ़ाया था ना आपको, वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस में छाले बन जाते हैं, छाले नजर आते हैं, कभी कभी बुखार आ जाना, गालों पर विशेष रूप से माइकोटिक स्टोमेटाइटिस, मुंह को म्यूकोजा पर सफेद व पीली परत का उपस्थित होना, म्यूकस नजर आएगी ना, जब अगर माइकोटिक है तो फंगल आएगी म्यूकस पर सफेद, नेक्रोटिक स्टोमेटाइटिस में बुखार होना, लार गिरना, गला सड़ा, गले लीजन म्यूकोजा पर दिखाई देना, सड़े गले, गले सड़े लीजन जो है वो नजर आएंगे, नेक्रोटिक या गैंग्रीनस, मसूड़ों का छिल जाना, मुंह से बदबू आना, कभी कभी मृत्यु भी हो जाना। ग्रेनुलर स्टोमेटाइटिस में ट्यूमर की भांति ग्रेनुल्स बन जाएंगे, मांस मसूड़ों के बाहर दिखाई देते हैं, ग्रेनुलर में, ग्रेनुलोमा कहलाते हैं ना, यानी कि ट्यूमर टाइप, गांठे कुल मिला के गांठे बन जाते हैं, मसूड़ों के बाहर दिखाई देते, इसके कारण जिंजिवाइटिस भी हो जाती है तथा पशु खाना नहीं खा सकता। निदान, हिस्ट्री द्वारा डायग्नोज कैसे करेंगे, हिस्ट्री द्वारा पशु के मुंह के लक्षणों के आधार पर, और अब आता है लास्ट वन, ट्रीटमेंट क्या करना है, सिंपल वन ट्रीटमेंट है, कुछ ज़्यादा इसका खास नहीं, मुंह को लाल दवा से धोकर 20% बोरोग्लिसरीन मुंह में लगा दें। अब लाल दवा से तो धोना है, अभी इसने परसेंटेज नहीं लिखा कि कितने परसेंट से देना धोना है, तो आप इसको, हमने
0.1% या इससे भी कम 0.01% से मुंह को हमेशा धोना चाहिए। 0.01 या 1%, इससे ज्यादा कभी ना धोएं, खुद ही स्टोमेटाइटिस कर देंगे, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी। और 20% बोरोग्लिसरीन मुंह में लगाएं, ग्लिसरीन कभी ना लगाएं अकेली, ये खुद ही बैक्टीरिया को ग्रो करने में मदद करती है। बोरोग्लिसरीन बोरिक एसिड डाल के लगाएं, आप फार्मेकोलॉजी में पढ़ोगे ये कैसे बनती है। अल्सरेटिव लीजन को, अल्सरेटिव अगर लीजन है तो सिल्वर नाइट्रेट की स्टिक आदि से जलाएं, ये भी आप उसमें पढ़ोगे सिल्वर नाइट्रेट की स्टिक क्या होती है, जो हम डीहॉर्निंग में काम लेते हैं, सॉरी डीहॉर्निंग में नहीं, डीबडिंग में काम लेते हैं, वो डीबडिंग में काम आती है, जब बछड़ी के सींग जो है, सींग नहीं कहते उनको दागना, बड सींग के बड को दागना कहते हैं, ये गलत है, सींग तो आने के बाद दागा जाता है लेकिन वो दागा भी नहीं जाता। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है जो एंटीबायोटिक दें, जिसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम हम आपको पढ़ाएंगे क्या होती हैं, फार्माकोलॉजी में भी पढ़ोगे। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन OT इंजेक्शन और एंथ्रोफ्लॉक्सासिन, अब ये नाम लिख दिए, देना कितना है ये नहीं लिखा, तो लिख लो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर, अब आपने ये लिखना है लिख लेना, बड़े जानवर में 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर दिन में एक बार आप इसको लगा दें। एंथ्रोफ्लॉक्सासिन 15 ml इंट्रामस्कुलर दिन में एक बार लगा दें, और लगा दें 3 दिन तक लगातार, सफिशिएंट। एंटीहिस्टामिनिक दें, एंटीहिस्टामिनिक अगर एलर्जी से हुई है तो आपको क्या पता, तो आप एंटीहिस्टामिनिक दे दें, इंजेक्शन एविल या CPM, क्लोरफेनिरामिन मैलिएट कहते हैं इसको, CPM को क्लोरफेनिरामिन मैलिएट लिख लेना, CPM को कहते हैं क्लोरफेनिरामिन मैलिएट, और इंजेक्शन एविल में भी यही होता है। तो आप ऐसा करें, एविल नाम है उसका, ब्रांड नेम है, तो अब आप ऐसा करें इसको बड़े जानवर में 10 ml, अब आप ऊपर वाली बात रह गई, बड़े जानवर में आपने 15 से 20 ml एंटीबायोटिक दी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, छोटे जानवर में एज के अनुसार, आप बहुत छोटा है तो मैं सिंपल बातें बता रहा हूँ आपको, 4 ml लगा दीजिए छोटे जानवर, छोटे से छोटा है कोई दिक्कत नहीं है, मीडियम साइज में है तो आप 10 ml लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये ध्यान रखना। इसी तरह ये एविल है, छोटे से छोटा जानवर है उसको